प्रदेश भर में 2 दिन पहले भारी बरसात हुई, जिसके चलते खेत जलमग्न हो गए। किसानों की लाखों एकड़ फसल खराब होने के कगार पर है। अंबाला में भी बरसाती पानी से गेहूं, आलू, सरसों व सब्जियों की हजारों एकड़ फसल खराब हो चुकी है। किसान लगातार खेतों में से पानी निकालने में लगे हुए हैं। वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता किसानों के साथ अंबाला के उपायुक्त से मिलने पहुंचे, जहां पर उन्होंने बरसात में खराब हुई फसल की जल्द गिरदावरी कर मुआवजा दिलवाने की मांग रखी। किसान नेताओं का कहना है कि पिछले 5 दिनों से बरसात से आलू, गेहूं और सरसों की फसल तबाह हो चुकी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री से उनकी यह मांग है कि सरकार जल्द ही किसानों की सुध ले और राहत पैकेज की घोषणा करे। आज हमने ज्ञापन दिया है, जो 5 दिन से लगातार बारिश हो रही है और उससे जल भराव हो गया, बहुत सी गेहूं की फसलें डूबी खड़ी हैं, तोड़िए की फसलें डूबी खड़ी हैं और कहीं पानी में गिर गई, तो इसलिए CM के नाम ज्ञापन दिया है भी इसकी स्पेशल गिरदावरी कराई जाए और किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए और जल्दी से जल्दी इसमें गिरदावरी कराने की कष्ट करें। ये ज्ञापन हमने उनको दिया। उन्होंने कहा ठीक है, कराएंगे। देखो नुकसान तो जिले में अभी हम सारे में तो घूमे नहीं, हम तो अपने गांव से आए, देख के कणके हैं, हर एक गाँव में कुछ ना कुछ डूब रहा है। जहाँ डूंगा है, जैसे अंबाड़ा वन का एरिया, जहाँ ज़्यादा होगा नुकसान, क्यों, ये डाकर ज़मीन है और पानी नहीं उतरता जल्दी, ना खाती है पानी, तो यहाँ पे ज़्यादा नुकसान होगा। फसलें अभी गेहूं की है, सरसों है, तोड़िया है, ये आलू की फसल खड़ी है बहुत, आलू की फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान है, उसमें से कुछ भी नहीं निकलता, वो सारा गल जाता है जहाँ पानी भर जाए। फसल बीमा भी बैंकों से काट लेते हैं, पर पहले भी कटा दिया तो है नहीं, देता तो कोई है नहीं। 2 साल पहले मेरी एक कणक मरी थी 2 किले, मेरे को कुछ नहीं मिला और गाँव में जाके चेक करके आई, बीमा कंपनी भी गई, 100% नुकसान था, पर दिया कुछ नहीं। उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए, बीमा तो सरकार को कर देना चाहिए, अपने आप उनको भी मुआवजा मिले। किसान तो सब एक ही सर हैं, बराबर हैं सब किसान। मेरा गांव सपेड़ा, जिला अम्बाड़ा, ब्लॉक 2, मेरे गांव में कम से कम भी 100 एकड़ गेहूं की फसल में पानी भराव खड़ा है और आलू की फसल तो बिल्कुल बर्बादी के कगार पे है। 5 दिन से लगातार बारिश हो रही है, इसलिए सरकार से बेनती है कि जल्दी से जल्दी गिरदावरी करवाए और जायज मुआवजा बने जो किसान को मिले। किसान पर पहले ही बहुत मार है। गांव बलाना जी तकरीबन जितने भी डूंगे एरिए हैं सारी ख़राब है फसल। एक शहर का जो पानी था ना, वो सड़क के नज़दीक नज़दीक एक नाला बना दिया, जो जिसका बहुत नुकसान हो रहा है फसलों को, बहुत ज़्यादा सारा पानी, गंदा पानी जो है वो जिम्मेदारों की फसल में जा रहा है। कोई निकासी नहीं, कोई सरकार का ध्यान नहीं, कोई MLA का नहीं, किसी का ध्यान ही नहीं है इस तरफ। अंबाला के उपायुक्त ने बताया कि कृषि अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, वहीं जमा पानी निकालने के लिए कई जगह पंप भी लगाए गए हैं। इसमें अगर जैसे इंश्योरेंस किसानों ने करवा रखा है तो उसके लिए किसान एप्लीकेशन दे सकते हैं, अगर उनके बारिश के हिसाब से अगर खराबा कुछ हुआ है तो। दूसरा, हमने इरिगेशन डिपार्टमेंट को सभी को कह दिया, जहाँ पे भी अगर पानी खड़ा है तो वहाँ पे पंप्स लगा के पानी निकलवाया जाए जल्द से जल्द। उन्होंने अपना ज्ञापन दिया है कि इसके लिए जो जल भरा हुआ है 3-4 दिनों में, जो पानी भरा है कुछ जगह पे देखने में मिला है, तो उसके लिए उन्होंने ज्ञापन दिया है। तो इसके लिए कि एप्लीकेशन का एक प्रोसेस होता है कि वहाँ पर अगर किसी कोई किसान आता है जिनने इंश्योरेंस करवा रखा है तो अपना क्लेम लेने आता है वहाँ पर, तो उनकी क्लेम की एप्लीकेशन उनको लेनी होती है, तो इसलिए उनको भी हिदायत दे दी गई है कि जिनका भी क्लेम के लिए कोई भी अगर आता है सामने तो उनकी एप्लीकेशन को एंटरटेन करें।